दाढ़ी आने के बाद हाइट क्यों रुक जाती है? अगर आपकी भी बहुत ही कम एज में बियर्ड की ग्रोथ हो रही है यानी दाढ़ी आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती या फिर इंक्रीज नहीं हो रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि वाकई में ये सही बात है कि दाढ़ी आने के बाद हाइट नहीं बढ़ती। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारी 12 13 15 16 की एज में दाढ़ी आ चुकी है तो हमारी हाइट अब इंक्रीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, हमको क्या करना चाहिए, आप हमको गाइड करो या हमको कुछ टिप्स दो जिससे हमारी हाइट इंक्रीज हो जाए। तो देखो, ये बहुत सही बात होती है कि जब लोग की बहुत ही कम एज में बियर्ड की ग्रोथ हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी, मान के चलो आपकी 13-14 की एज में आपकी बियर्ड की ग्रोथ हो रही है तो उतनी एज में आपकी हाइट भी बहुत ही कम रहेगी और आपकी जो मसल्स है, आपका जो शरीर है वो भी बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको यह लगता है कि अब हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर आपके माइंड में भी ऐसा डाउट चल रहा है तो आप इस डाउट को छोड़ दें। बात क्या होती है, मैं सब कुछ बताता हूँ। जब आप मेच्योर होते हो यानी जब आप 13, 14 या 15 साल के होते हो, जब आपकी बियर्ड की ग्रोथ होने लग जाती है तो उस कंडीशन में आप मेच्योर होते हो। उस कंडीशन में आपकी मसल्स, मांसपेशी या हड्डी ग्रोथ करती है, यानी जब आप मेच्योर होते हो ना तो कहीं ना कहीं आपका शरीर इंक्रीज होता है और आपको ऐसा महसूस भी होता है और आपको ऐसा लगता भी हो। लेकिन अगर उसी कंडीशन में आपकी बियर्ड की ग्रोथ होने लग जाए यानी आपकी दाढ़ी मूंछ होने लग जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है? कोई भी इंसान हो, कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, अगर दाढ़ी की ग्रोथ होती है तो वो दाढ़ी को ज़रूर काटता है, क्योंकि कोई भी इंसान है जो कम एज में दाढ़ी है उसको बड़ा तो नहीं रख सकता। बात ये रहती है कि उसकी एज कम है और उस पर सूट भी नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में जब आप आपकी दाढ़ी को किसी भी चीज़ से काटते हो तो उस कंडीशन में आपकी मसल्स को छोड़ के आपकी बियर्ड की ग्रोथ होने लग जाती है। इसके बाद से आपकी हाइट भी वहीं पर ही रुक के रह जाती है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आप इस गलती को ठीक से सुने, ये गलती क्यों होती है? जब तक आप आपकी दाढ़ी को काटते नहीं हो तब तक आपकी हाइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और साइंस तो ये बोलता है कि दाढ़ी और हाइट में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता कि वाकई में दाढ़ी आने के बाद हाइट रुक जाती, बट ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास कमेंट्स आ रही थी उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सही बात रहती है। अगर आपकी भी बियर्ड आ चुकी है तो आप उसको ना काटें तब तक कि आपको ये ना लगे कि हमारी हाइट अब परफेक्ट हो गई, यानी आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट हो रही है और आपको ऐसा लगे कि अब दाढ़ी आ चुकी है और हमारी हाइट अब इंक्रीज ही नहीं होगी, तो आप बहुत ही जल्दी जो हाइट इंक्रीज वर्कआउट रहता है तो आप वो ज़रूर करना स्टार्ट करें। जो प्रोटीन्स, विटामिन, जो सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं अच्छी क्वालिटी का, आप उसका यूज़ करें। इसी कंडीशन में अगर आपने आपकी हाइट को ग्रोथ कर लिया तो आपकी हाइट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी और आप अगर इसी कंडीशन को लेके बियर्ड को और हाइट को दोनों को अगर साथ में लेके चलोगे तो आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होना। ये मैं परफेक्टली 100% सही बोल रहा हूँ। बात ये होती है जब आपको ऐसा लगे कि हमारी हाइट अब इंक्रीज नहीं हो रही और जो आपका इधर एप्पल रहता है यानी जो आपका टैटू रहता है अगर वो भी बाहर निकल रहा है तो आप सोच लो कि आपकी हाइट इंक्रीज ही नहीं होना। तो आप इस बात को फॉलो करें, अपनी लाइफ में उतारें। आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार अब हमारी बियर्ड की ग्रोथ हो रही है और आपको बियर्ड नहीं काटना, नहीं तो आप फिर बाद में पछताते हो। बियर्ड जितनी ग्रोथ हो सके उतनी आपको ग्रोथ करना है और अगर ज़्यादा ही बड़ी हो रही है तो बियर्ड को ट्रिम कर लें। ट्रिम जो जीरो मशीन आती है उससे जीरो कर लें और इसके अंदर आपको जैसे कि ब्लेड, कैंची वगैरह आपको उसका यूज़ नहीं करना जिससे आपकी बियर्ड तेज़ी से ग्रोथ करे। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, आपने जो मेरे से क्वेश्चंस किए वो मैंने उसके आंसर्स दिए हो, या कोई से क्वेश्चंस अगर रह गए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं और मैं आपको 100% रिप्लाई भी दूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी 100% कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।